अब हमारा घर वर सब पक्का बन गया। अच्छा, किसने दिया घर? घर तो हमने खुद कंदमूल बेच के बनवाया और शादी भी हमारे दो भाई की हो गई। अच्छा, यानी यही कंदमूल का बिजनेस करके आपने घर भी बनाया, दो बहनों की शादी भी, एक प्लाट भी खरीदा है अभी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे हनुमान गढ़ी है और ये जो भाई साहब है कंदमूल फल बेच रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री राम जब वनवास में थे तो 14 वर्षों तक इसी कंदमूल फल को खाते थे और इसी के सहारे इनकी जीविका चल रही है। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कश्यप। उधर को देखिए, विवेक कश्यप जी कहाँ तक पढ़ाई की है? हमने इंटर तक किया है। इंटर तक पढ़ाई किया है। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में मम्मी पापा, दो बड़े भाई, एक बहन। तो इंटर के बाद आपने नौकरी वोकरी नहीं की? नहीं की। क्यों नहीं की? पैसे की दिक्कत थी। अच्छा, इसके बाद हमारे बड़े भाई कंदमूल बेचते थे, उन्हीं के साथ हम भी लग गए। और एक साल से अयोध्या में बेच रहे। हमारी परमानेंट दुकान कनक भवन के सामने है। हाँ। वो 12 महीने मिलेगी। अच्छा। आप किसी भी समय आइए। यानी दो भाई आप अयोध्या में फल बेच रहे हैं। हाँ। ये फल आता कहाँ से है? ये चित्रकूट के जंगलों से आता है और खाने में मीठा है। हाँ। व स्वादिष्ट है। हाँ। इसको खाने से पेट के लिए फायदेमंद है। हाँ। जैसे गैस बनती हो, दांत चलता हो। हाँ। और बवासीर हो तो बवासीर में इतना फायदा करता है, आप शाम को खाइए, सुबह एकदम जर से पटा जाएगी। बहुत लोग बताएं जो लोग खाएं। हाँ। इसे जो लोग जिसको दिया तो खुद बताते हैं। हाँ। आपने ये भी लिखा हुआ है कि भगवान राम 14 वर्षों तक खाया है। और ये फल कंदमूल फल नाम है इसका। हाँ। इसको राम जी जब वनवास गए तो 14 वर्ष कंदमूल फल खा के रहे। हाँ। जो रामायण में लिखा है कंदमूल फल। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, कितना कमा लेते हैं दिन में? दिन में हम कमा लेते हैं 1000 कम से कम। जब कम से कम बिकता है तो 1000, और जैसे पब्लिक के ऊपर जैसे अच्छी पब्लिक चलती है तो 2000-3000। और परिक्रमा में हम एक दिन में 9000-10000 का बेचते हैं, जो 5 कोसी 14 कोसी करने। अच्छा। आते हैं यहाँ। तो बचत कितना हो जाता है इसमें? बचत है, हम लोग अपने हाथ से निकालते हैं। और ये इतना लंबा होता है? इसकी लंबाई होती है 4 फुट 5 फुट तक, बहुत बड़ा। एक यानी कंदमूल 2 किलो से लेके 40 किलो तक होता है। हाँ, तो आप लोग लाते हैं, रेट के हिसाब से मिलता है, लंबाई के हिसाब से मिलता है आपको? नहीं, हम लोग अपने हाथ से वहाँ से निकलवाते हैं। वहीं जैसे चित्रकूट गए तो वहाँ से लोकल के लड़के लेके उनको पैसा दे दिया 200-300, बस खुदा के और ले आते हैं। हाँ, यानी एक 200-300 का पड़ता है। हाँ, हाँ, और किराया भाड़ा जो लग जाए। हाँ, यानी आप 1000 रुपये कमा लेते हैं? 1000 रुपये कमा लेते हैं। तो इसको छोलते कैसे हैं? अब हम काट के बता रहे हैं। देखिए कंदमूल फल है, अब ये इसको काट के बता रहे हैं कि ये कैसे कटता है। ये इसका छिलक होता है? हाँ, वो छील लिया। और जैसे नारियल में छिलक होता है? हाँ। ये 10 रुपए का एक पीस, 20 का 3। अच्छा, ये 10 रुपए का पीस है। हाँ। छोटा नहीं है? नहीं। आ? और किलो में देते हैं 600 रुपए किलो। अच्छा, 600 रुपए किलो देते हैं। जैसे कुछ लोग ले जाते हैं भंडारा कराने के लिए तो उन्हें हम 600 रुपए किलो दे देते हैं। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, तो राम मंदिर बन गया, खुशी उसी हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा। तो हम कहीं नहीं जाते नहीं, पहले हर जगह मेला जाते थे। अब एक साल से हम यहीं कनक भवन के बगल में कमरा लिए हैं और यहीं कंदमूल बेच रहे हैं। अच्छा, दोनों भाई यही काम करते हैं? यही करते हैं। दूसरे भाई ने कहाँ तक पढ़ाई की है? वो नहीं पढ़े। अच्छा, बिना पढ़े भी यानी वो भी 1000-1500 रुपए कमा लेते हैं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मंदिर से क्या फायदा होगा, मंदिर से किसको रोजगार मिल रहा है? मंदिर से सबको रोजगार मिल रहा। हाँ। जो भी करना चाहे, यहाँ जो मान लो जो टीका लगा रहे वो भी 1000 रुपए कमा रहे। हाँ। तो क्या क्या बदलता हुआ देख रहे हैं अयोध्या में पिछले एक साल? अयोध्या बदल गई, हम जब आए थे जब कुछ भी यहाँ नहीं था, हमारे देखते देखते बदल गई अयोध्या। अच्छा, कुछ लोग तो कह रहे हैं कुछ नहीं बदला अयोध्या में? बहुत बदल गया है, पूरी अयोध्या बदल गई। हाँ। तो क्या लग रहा है मंदिर बनने जा रहा है, सरे किसको देंगे इस मंदिर का, किसकी वजह से मंदिर बनेगा? मोदी की वजह से। मोदी की वजह से? हाँ? सही में मोदी योगी। हाँ। और कांग्रेस वाले कहते हैं थोड़ा बहुत सरे हमें भी दे दो। नहीं देंगे। हाँ? नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपने इंटर पास किया है, कंदमूल फल बेचते हैं आप, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर पाए? घर में कुछ आर्थिक? हाँ, आर्थिक वही थी कि यानी कि पिताजी हमारे कुछ करते नहीं। अच्छा। इसी वजह से कुछ समस्या हुई। हाँ। नहीं पढ़ पाए पैसे की। हाँ। तो हम अपन इसी में लग गए। अब हमारा घर वर सब पक्का बन गया। अच्छा। हाँ। किसने दिया घर? घर तो हमने खुद कंदमूल बेच के बनवाया और शादी भी हमारे दो भाई की हो गई। अच्छा,
यानी यही कंदमूल का बिजनेस करके आपने घर भी बनाया, दो बहनों की शादी भी, एक प्लाट भी खरीदा है भी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ तो एक बात बताए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने MBA किया हुआ है, हमने इतनी पढ़ाई की हुई है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, देश में रोजगार नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, जो आदमी करना चाहे तो सब कुछ हो सकता है। यानी ना करवा के लिए कुछ नहीं है? नहीं, हाँ। जब कोई करना नहीं चाहेगा उसके लिए क्या है, हाँ। और कोई करना चाहे सब कुछ है, हाँ, मेहनत करने वालों के लिए सब, हाँ, सब कुछ है। तो कितने घंटे आप लगाते हैं? सुबह 8 बजे से शाम को 4-5 बजे तक बेचते हैं, और इसके बाद अपने रूम में जाके खाना बनाते हैं, हाँ। और फिर सुबह आ जाते हैं। अच्छा, 8 घंटे यानी आपका 8 घंटे, हाँ। तो आप जो मतलब जब कम से कम बिकता है, कम से कम फिर भी 1000-1200 का बिक जाता है। अच्छा। जब एकदम नॉर्मल बिकता है, हमने सावन में यहाँ बेचा कंदमूल, 45,000 रुपये ले गए थे बेच के। महीने का या दिन का? नहीं, महीने में, हाँ। एक महीने सावन में हमने परमानेंट बेचा दशरथ महल के बगल में। अच्छा, हाँ। तो प्रभु श्री राम की तो आप पे भरपूर कृपा हो रही है। हाँ, भरपूर, हाँ? कृपा हो, हाँ। रही है, हाँ। बस तो थोड़ी समस्या है यहाँ कंदमूल लगाने में, इतनी जगह नहीं मिल रही है। अच्छा, बस कोई अच्छी जगह मिल जाए तो और बढ़िया हो जाए। तो अब क्या सोचा आगे आने वाले में, क्या लग रहा है कि आमदनी बढ़ेगी या घट जाएगी? बढ़ेगी, 25 तारीख से और बहुत भयंकर बिकेगा। अच्छा, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो मंदिर का विरोध कर रहे हैं? उनको क्या कहेंगे, विरोध करना चाहिए? नहीं नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि हॉस्पिटल बना देते, लोग इलाज करवाने जाते। नहीं, ऐसा नहीं, मंदिर सही है, और हमारे हिसाब से मंदिर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, और जिसको ना अच्छा लगे उसके लिए क्या है। अच्छा। कुछ नहीं, हमारा पूरा गांव खुश है। कहाँ, कानपुर यहाँ से 200-250 किलोमीटर। अच्छा। हम अपने गांव में जाते हैं तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। हाँ। योगी जी के बारे में क्या राय है? हमारे टोटल गांव में कहते हैं कुछ हो ना हो वोट वहीं जाएगा। अच्छा, यानी कि हमारे गाँव में 3,3500 वोटिंग है। हाँ। 3500 वोटिंग है हमारे। अच्छा, वो सब कहते कि महंगाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मंदिर बन गया, वोट वहीं जाएगा। वहीं जाएगा, वोट वहीं जाएगा, वहीं जाएगा। अच्छा, योगी जी ने दिल जीत लिया। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी परेशान करते हैं, योगी जी का काम अच्छा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या काम अच्छा लगा योगी जी का? योगी जी का हमको सारे काम अच्छे लगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी तो बनेंगे ही नहीं। हाँ। नहीं, राहुल गांधी नहीं बने, नहीं बनेंगे। हाँ। क्यों नहीं बनेंगे? सरकार दोबारा BJP की बनेगी। अच्छा। 2024 में मंदिर से फायदा हो जाएगा पूरा? मंदिर से भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। हाँ। तो चलिए, मुझे थोड़ा फल टेस्ट कराइए आप। हम भी बताते हैं कि कंदमूल लगता कैसा है। तो ऐसे ही खाया जाता है? ऐसे खीर बना के खाओ। अच्छा, खीर भी बनाई जाती है। थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, कड़वा कड़वा सा लगता है। हाँ, बाद में थोड़ा वैसे ये अजीब स्वाद है इसका। और ये फल खराब नहीं होता, चाहे 1 साल रख के रहो। बाबा रुकिए, आप भी 1 मिनट आ रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मेरी बात सुनिए आप। जो लोग कह रहे थे कि मंदिर से क्या फायदा होगा, इंटर इन्होंने पास किया है, पिछले 1 साल से यहाँ लगाते हैं कंदमूल फल, और कम से कम दिन का 1000 रुपये कमा लेते हैं, और अगर मौसम अच्छा हो तो महीने का 45,000 रुपये तक इन्होंने यही कमाया है, और इसी मंदिर की वजह से कमाया है, और उसी कमाई से इन्होंने अपना मकान भी बनाया है, प्लॉट भी खरीदा है, दो बहनों की शादी भी की है। अब जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे हैं कि मंदिर से फ़ायदा क्या होगा, किसको रोज़गार मिलेगा, उन सभी को एक बार अयोध्या आना चाहिए और देखना चाहिए कि मंदिर से क्या फ़ायदा होगा।